ट्राइंगल्स के कुछ पार्ट हम इंट्रोडक्शन और इसकी एक एक्सरसाइज हम पहले कर चुके थे, मतलब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर चुके थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो आपको जो गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स एंगल सी बी ए। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ये आपको प्रूव करना है। और इसके अलावा आपको दो चीज़ और प्रूव करनी है, बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो सबसे पहले ट्राइंगल देख लें, ए बी डी और बी ए सी की बात करें, तो ये आपका ट्राइंगल ए बी डी है, ओके, और ये आपका ट्राइंगल बी ए सी इधर वाला, ये आपका बी ए सी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन देखा जाए तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए डी इक्वल्स बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स एंगल सी बी ए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना होता है टू प्रूव। तो टू प्रूव की बात करें तो टू प्रूव में ये तीनों स्टेटमेंट जो आपको प्रूव करना है वो तीनों स्टेटमेंट इस जगह पर आ जाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन का स्टार्ट होगा आपका प्रूफ जो मेन सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ट्राइंगल जो हमने प्रूव करना है वो चूज़ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल का नाम है आपका इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी में आपको सबसे पहली चीज जो नज़र आ रही है वो गिवन है ए डी इक्वल्स बी सी। देख लीजिए, ये इस ट्राइंगल में ए डी और ये इस ट्राइंगल में बी सी, ये दोनों इक्वल है, ओके। अब नेक्स्ट बात करें, एक और चीज़ गिवन है, इस ट्राइंगल का एंगल डी ए बी और इस ट्राइंगल का एंगल सी बी ए, ये भी इक्वल गिवन है, एंगल डी ए बी इक्वल्स एंगल सी बी ए। एंड अनदर थिंग जो हमको साफ नज़र आ रही है, ये साइड ए बी जो कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो इट मीन्स क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो अब ये दोनों तो आपको क्या था, गिवन, और ये क्या हो गया आपका कॉमन। इसका रीज़न साथ साथ लिखना है आपको। अब यहाँ से देखें तो आपको एक सैंडविच प्रॉपर्टी टाइप बताई थी मैंने, तो दो साइड के बीच में अगर एंगल है इट मीन्स एस एस रूल। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, सो बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। और सी पी सी टी रूल बताया था, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल या कॉन्ग्रेंट। तो इसके अकॉर्डिंग बाय सी पी सी टी रूल बी डी इज इक्वल टू ए सी, चूँकि देखिए इस ट्राइंगल का आपका बी डी और इस ट्राइंगल की आपकी ए सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और आपका एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी आपका ये वाला इस ट्राइंगल का, और एक और आपका बी ए सी, तो बी ए सी देखें तो ये वाला इस ट्राइंगल का, तो ये दोनों भी बाइसिपिसिटी ही इक्वल होंगे। एंड एंगल बी ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम क्या देखते हैं, आपको गिवन क्या है सबसे पहले, तो वो देख लेते हैं। तो गिवन है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। इट मीन्स यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज दे रखी है ए डी और ये लाइन आपकी बी सी, दोनों इक्वल है, ओके।
और ये दोनों परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन ए बी का। तो इट मीन्स सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे हम, गिवन ए डी एंड बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी आपको गिवन है। अब शो क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव में हम देखें तो हमको शो करना है दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो लाइन है आपकी, ये आपकी जा रही है सी डी लाइन, सी डी लाइन जो है वो ए बी को क्या कर रही है, आपके बाइसेक्ट कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स आपको क्या प्रूव करना है, ओ ए इक्वल्स ओ बी। मतलब क्या है इसका, सी डी बाइसेक्ट ए बी। ओके, अब प्रूफ, प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे अपने को दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल चूज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। तो इस ट्राइंगल में ए डी और इस ट्राइंगल का बी सी इक्वल है, ये आपको गिवन है। देन आफ्टर हम क्या देखते हैं, एक और चीज कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए डी इक्वल्स एंगल ओ बी सी इक्वल्स 90 डिग्री। रीज़न आप चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज ए डी एंड बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, देन आफ्टर एक चीज़ आपको सेल्फ समझनी होगी कि यहाँ पे ए बी एंड सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो हियर हम ध्यान से देखते हैं, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इट मीन्स क्या हुआ, एंगल ए ओ डी इक्वल्स एंगल बी ओ सी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ रूल कौन सा लगेगा वो हमको देखना है। तो रूल देखें तो एक एंगल आ रहा है, फिर दूसरा एंगल आ रहा है, उसके बाद साइड आ रही है, यहाँ पे भी एक एंगल है, फिर दूसरा एंगल है, उसके बाद साइड है। तो इट मीन्स क्या हुआ, सो बाय ए एस रूल ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। और जो आपको प्रूव करना है वो आपका सी पी सी टी से हो जाएगा, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा आपके पास, ओ ए इक्वल्स ओ बी। क्योंकि हम जानते हैं कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो ये आपका प्रूव हुआ, हैंस प्रूव। ओके, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या गिवन है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। फिगर में दे रखा है आपको, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए आर कॉन्ग्रेंट। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन आपका क्या है वो देख लेते हैं, एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइन एल है और ये लाइन आपकी एम है, तो ये दोनों आपकी पैरेलल गिवन है, और ये लाइन आपकी पी है और ये लाइन आपकी क्यू है, तो ये दोनों भी आपके पैरेलल गिवन है। अब नेक्स्ट देखें तो आपको प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में देख लेते हैं क्या गिवन है आपको, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो आप सबसे पहले चूज कर लीजिए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल चूज करने के लिए मैं अलग कलर यहाँ पे दे रहा हूँ,
देख लीजिए, सबसे पहले ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल ग्रीन कलर से ले लेते हैं आपका। ये ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया ए बी सी। अब हम ले लेते हैं दूसरा कलर। तो यहाँ पे हमने रेड कलर ले लिया है, रेड से हम ले लेते हैं सी डी ए। तो ये आपका ट्राइंगल सी डी ए। अब यहाँ पे प्रूफ करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ में हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल सी डी ए। तो हम इन दोनों ट्राइंगल में सबसे फर्स्ट चीज क्या देखते हैं, जो चीज़ हमको कॉमन नज़र आ रही है। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या है, यहाँ पे कॉमन लाइन है तो उसको लिख दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जेड बन रहा है, ध्यान से देखिए, पैरेलल लाइन है, इट मीन्स जेड बन रहा है। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो अब दोनों ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, ए बी सी, ए बी सी में आप देखिए कौन सा एंगल, एंगल बी ए सी, एंगल डी सी ए। ट्राइंगल ए सी डी में डी सी ए और ट्राइंगल ए बी सी में बी ए सी। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स एंगल डी सी ए। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल आपके एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल्स इसमें से देखें तो एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। ये दोनों एंगल जो हैं आपके वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो रूल कौन सा रहता है, तो रूल देखा जाए तो यहाँ पे दो एंगल के बीच वाली साइड अगर इक्वल है तो आप देखिए ध्यान से, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या लिखेंगे, सुबाय ए एस ए रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या गिवन है, आई थिंक सो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दिया जाए। होमवर्क इट मीन्स ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले गिवन और टू प्रूफ सेल्फ लिखना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रूफ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरे को ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो आपकी लाइन एल है वो बाइसेक्टर है एंगल ए की, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे ये वन और टू है तो ये दोनों आपके इक्वल है। इसका नाम देख लेते हैं, वन का नाम क्या है, एंगल क्यू ए बी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हिंट के लिए, एंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल, देख लीजिए ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल पी ए बी। ओके, ये खाली हिंट के लिए लिख रहा हूँ, साइड में रफ वर्क एक तरह से। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये आपको लिखना होगा गिवन में। बी पी और बी क्यू जो है, जैसे आप देखिए ये बी पी परपेंडिकुलर है और ये पी क्यू भी आपका परपेंडिकुलर है एंगल ए के दोनों आर्म्स, मीन्स ए क्यू और ए पी पर। तो अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखा जाए सबसे पहले तो आप देखिए एक लाइन आपको कॉमन नज़र आ रही है, मैं सबसे पहले उसी पे जाऊंगा। देखिए कॉमन लाइन कौन सी नज़र आ रही है, ए बी। तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन। ओके, अब ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। और एक चीज अपन ने देखी थी पीछे कि एंगल पी ए बी इक्वल्स एंगल क्यू ए बी, तो ये चीज आपका क्या हो गया रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए।
ये इसका रीज़न हो गया। इसके अलावा देखिए दोनों ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल ए पी बी इक्वल्स एंगल ए क्यू बी इक्वल्स 90 डिग्री। आपको ज़्यादा रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन है, परपेंडिकुलर है, इट मीन्स 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर रूल देखा जाए तो आपके पास ये 90 डिग्री, ये एंगल और फिर ये साइड, ये 90 डिग्री, ये एंगल, फिर ये साइड, इट मीन्स दो एंगल के बाद में साइड आ रही है, तो क्या होगा? सो बाय ए एस रूल ट्राइंगल ए पी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू पी। अब इन दोनों के सी पी सी डी से सारे पार्ट इक्वल होंगे, तो सेकंड क्या पूछा है, क्या बी पी इज इक्वल टू बी क्यू है? यहाँ पे बी पी एंड बी क्यू इक्वल बोला है, और एक चीज़ और बोली, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल है, एंगल एंगल ए की आर्म्स जो है उनसे इक्वल डिस्टेंस पर। तो भले ये बोलो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बोलो या बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए बोलो, बात सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, हेंस ट्रू। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हुआ। आई थिंक सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।